क्यों गलत जानकारी दे रहे हो देश को? ये 10 दिन का आपका पैकेज है, पैकेज चलेगा, इसमें चिंता ना करो आप। ये तो धमकी दे रहा है, आपके दुख में मैं साथ हूँ और भक्तों का दुख काहे नहीं खत्म हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूँ। आज की वीडियो में बात टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा की करते हैं। सुशांत सिन्हा की वह डिबेट देखेंगे जिनमें विपक्षी नेताओं ने इनकी क्लास लगा दी हो। टाइम्स नाउ पर कृषि कानूनों को लेकर मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में पत्रकार सुशांत सिन्हा ने सत्यपाल मलिक से प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों पर अपने विचार रखने को कहा। सतपाल मलिक सुशांत के कुछ सवालों से खुश नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने पत्रकार को सुना दिया। अभी ये कानून वापस हुए, ये ठीक हुआ या गलत हुआ सर? बहुत अच्छा हुआ, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। जो भी कानून बने वो किसानों के साथ मशवरा करके बने और सबकी सहमति से बने। जहाँ तक मुझे ध्यान है सर, पहले शायद आपने कहा था कि ये कानून रहने चाहिए लेकिन MSP पर भी कानून आ जाए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, आप मेरे मुंह में मत डालिए। और मैं आपको नमस्ते करता हूँ, मुझे कहीं जाना है। मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूँ सर। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो सवाल पूछता हूँ सर, और मेरे प्रश्न अगर आपको पसंद नहीं आए तो। अरे मैं दिन भर पत्रकारों को ही भुगतता हूँ, आपका जो एटीट्यूड है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। अभी तो आपने कहा सर मैं इस्तीफा क्यों दूं, प्रधानमंत्री ने मुझे ये पद दिया है। हाँ हाँ, जब वो कहेंगे तो छोड़ दूंगा, एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तब तक आपके कहने से थोड़े छोड़ दूंगा मैं। जी सर, धन्यवाद सर आपका। ले भाई, गलती होगी, आगे से इनको कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं देना ना बुलाना। CAA NRC के मुद्दे पर टाइम्स नाउ पर हुई डिबेट में एंकर सुशांत सिन्हा ने शोएब जमाई से सवाल किया तो उनके जवाब पर एंकर ने तंज कसा, जिसका शोएब जमाई ने करारा जवाब भी दिया। ना ही यहां से भाई, आज आप क्या खा के आए? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं शोएब जमाई को ही सुन रहा हूं। आज आप बिरयानी लग रहा खा के नहीं आए ढंग से। कि जो लोग किसान आंदोलन के समय में, जब वो किसान बिल की, मैं आपकी दुख को समझता हूँ कि आप लगातार एक साल उस बिल के फायदे गिनाते रहे, अब प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि आप उसके हम कैसे गिनाए कि भी बिल भी वापस लिया। मैं अभी भी गिना सकता हूँ, एक घंटे गिना दूं उसकी उसकी नहीं, उसकी फायदे। आप इस बात की तैयारी कर लीजिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी CA को जब वापस लेंगे तो उसके बारे में आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। देखिए, फिर वही कह रहा हूँ, मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री CA वापस ले लेंगे तो भी शोएब जमाई सुशांत सिन्हा की राय CA को लेकर वही रहेगी। ये तो धमकी दे रहा है, आपके दुख में मैं साथ हूँ और भक्तों का दुख काहे नहीं खत्म हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपके दुख के साथ हूँ, बड़े संवेदना है आपके साथ। आपके दुख को, आपके दुख को हमने बांटा 2014 से, जो आप पत्थर रखकर सीने पर जी रहे हैं उसको। कृषि कानूनों पर हुई डिबेट में सुशांत सिन्हा ने राकेश टिकैत से बात की। सुशांत ने राकेश टिकैत को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की तो राकेश टिकैत ने इसका करारा जवाब दिया। संसदीय समिति की बैठक थी किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर, और इसमें 23 सदस्य थे, 23 सांसद। वो बैठक टल गई क्योंकि उसमें से 17 नहीं आए। ये है इस देश में उन नेताओं का किसानों को समर्थन जिनके कहने पर आप आंदोलन कर रहे हैं, जिनके कहने पर यह आंदोलन बढ़ रहा है। गलत जानकारी से देश को मत दो, आधा बर्बाद तो आपने कर दिया देश, क्यों सब बर्बाद लग रहे हो कर रहे, क्यों गलत जानकारी दे रहे हो देश को? ये 10 दिन का आपका पैकेज है, पैकेज चलेगा, इसमें चिंता ना करो आप। और पूरा एलिगेशन आप किसानों को लगाओगे क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ कि संसद में 17 सांसद नहीं पहुंचे किसानों पर बात करने के लिए, उन पार्टियों के लिए आपकी क्या सोच है, क्या राय है? मैं ये कह रहा कि उनका हमारा क्या मतलब, हम तो एक साल से बैठे हैं, एक साल से सरकार हमसे बात नहीं कर रही। 22 जनवरी के हुआ क्या, करोगे हमारे से बात? आमदनी दुगनी कैसे होगी वो हम बताएंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हुई डिबेट में सुशांत सिन्हा ने श्रोमणी अकाली दल के नेता से गुरनाम सिंह चटूनी पर सवाल किया, जिस पर दोनों के बीच बहस देखने को मिली। तो इसका मतलब ये आंदोलन सियासी था, उसका उसको यहाँ तक लाया गया है अपने सियासी फायदे के लिए। सुशांत जी, आप आंदोलन को सियासी मत करिए क्योंकि ये हमारे खेत से जुड़ी हुई बात है। तो अरे भाई, चड़ूनी उसके कितने बड़े नेता हैं? बरार भाई आप बताइए, सुशांत जी बरार भाई आप बताइए, क्या चड़ूनी छोटे नेता हैं? सुशांत जी आप ऐसे प्रवक्ता मत बने। नहीं बरार भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 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 चड़ूनी छोटे नेता हैं, आप बताइए इस आंदोलन से जुड़े हैं कि नहीं? ऐसा नहीं करूंगा, मेरा जवाब लीजिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चड़ूनी तो पहले से ही सियासी आदमी है, क्योंकि उन्होंने पहले एक बार आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, और एक बार जो है वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन उनकी वाइफ लड़ चुकी है, उनके बारे में मत बोले। और सभी संयुक्त मोर्चा या सभी आंदोलन को, आपने एक शुरू में शब्द गलत भी बोला, मैं आपको चाहूंगा कि आपको
बदले उनको, आपको आंदोलन जीवी तो ये मोदी बोलते हैं, आप मोदी की बोली मत बोले ना, आप मीडिया तो मीडिया की बोली बोले भाई सर। जो लोग मुझे ये बताइए बरार भाई, आपको सुशांत की डिबेट्स कैसे लगी, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।